पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आंदोलनकारियों और कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं, जिस पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बयान देते हुए कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी ने शुद्धि दिखाई होती तो साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने विभिन्न विभागों के नियमित भर्तियों की प्रक्रिया को लगभग बंद कर दिया था, जिसके बाद प्रदेश में ठेके आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाती थी। साथ ही सरकार से ज्यादा पैसा लिया जाता था और विभागों को कम भुगतान किया जाता था। पार्टी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में नियमित भर्ती की प्रक्रिया को लगभग बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ में ठेके के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके रिश्तेदारों की प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से युवाओं की सरकारी विभागों में भर्तियाँ की जाती थी। सरकार से ज़्यादा पैसा लिया जाता था, युवाओं को कम भुगतान किया जाता था और उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं।